बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल 11 बजे मैं लिबर्टी चौक से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब इसमें शामिल हों। ये कोई सियासत के लिए कोई तहरीक नहीं है, ये कोई जाती मफादात के लिए नहीं है, कोई गवर्नमेंट गिराने या लाने के लिए नहीं है। ये मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद करने के लिए है। ये जब से पाकिस्तान बना है, जो तहरीक पाकिस्तान थी जिसमें हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली थी, ये अब उसके बाद हकीकी आज़ादी की तहरीक उतनी बड़ी तहरीक अब शुरू है। इसका मकसद क्या है? इस मुल्क में जो फैसले हों वो मुल्क के अंदर फैसले हों, कोई बैरून मुल्क के पुतले हमारे मुल्क के फैसले ना करें। दूसरी चीज, इंसाफ हो, कानून के सामने सब एक बराबर हो, इंसाफ से इंसानों को आजाद किया जाए, इंसाफ दे के इस मुल्क के अंदर खुशहाली लाई जाए, क्योंकि इंसाफ के बाद ही खुशहाली आती है। ये छोटा सा तबका जो कब्जा करके बैठा हुआ है, जो हर वक्त चोरी करता है और अपने आप को एनआरओ दे देता है, इनसे आजादी के लिए यह तहरीक है। इंशाल्लाह हम कल निकलेंगे सुबह 11 बजे और ये तहरीक चलेगी। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद नहीं करते, और वो तब होगा जब एक अवाम फैसला करेगी साफ और शफाफ इलेक्शन से कि किसको इस मुल्क की क्यादत करनी चाहिए। ये नहीं कोई कोई बाहर से साजिश हो और अंदर यहां बैठे हुए गद्दार उनके साथ मिलकर हुकूमत गिरा के और पुतले ऊपर बैठा दें। हम वो मुल्क चाहते हैं जो कायदे आजम ने जिसकी जदोजहद की, हम वो मुल्क चाहते हैं जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।